हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंडिया यूट्यूबर आयदा नाबू। आज जो मुंबई में जो सबसे बड़ा फिश मार्केट है, जो डॉकयार्ड भी बोलता है उसको, उसका नाम है भाउचा धक्का। तो उसका जो ओवरव्यू है, मैं ए टू जेड सारे इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। इससे पहले भी मैं काफ़ी बार गया, बट वीडियो नहीं कर पाया। थोड़ा रिस्ट्रिक्शन भी है वहाँ पे वीडियो करने का, बट आज मैं ट्राई करूँगा मैक्स टू मैक्स जितना हो सकते पॉसिबल है वो शेयर करने के लिए। तो हम लोग माजगांव से मैं निकल रहा हूँ अभी, तो माजगांव सर्कल से ज़्यादा दूर नहीं है, 2 किलोमीटर में ही है। वॉक करने में 15-20 मिनट लगेगा, बट मैं टैक्सी करके निकल जाऊँगा। थोड़ा टाइम कम है कि मॉर्निंग का टाइम है अभी, तो मुझे और भी काम है। तो अभी 7 बजे का टाइम है, तो मैं यहाँ पर टैक्सी करके निकल रहा हूँ। टैक्सी में नॉर्मली जो यहाँ का मिनिमम रेट वो 28 रुपीज़ होता है, तो देखते कितना दूर है। 28 रुपीज़ से मैक्सिमम 2 किलोमीटर तक चले जाता है, उसके बाद थोड़ा बढ़ेगा तो थोड़ा बहुत होगा, तो देख लेंगे। बाद ज़्यादा नहीं होगा, 40-50 का अंदर ही रहेगा। तो ये माजगांव से मैं मूव कर रहा हूँ। सबसे पहले ये डॉकयार्ड रोड जो रेलवे स्टेशन है वो आएगा। ये रेलवे स्टेशन देख रहे हो आप, ऊपर फ्लाईओवर से रेलवे जा रहा है। इसका राइट साइड जो देख रहे हैं ये स्टेशन है। राइट साइड में आपको CST जो मेन है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, वहाँ जाते हैं, और लेफ्ट जो है वो अपना वाशी की तरफ जाते हैं। तो मैंने ये एरिया क्रॉस कर लिया ऑलरेडी, ऊपर फ्लाईओवर दिख रहे हैं। तो ये मैं टैक्सी में जा रहा हूँ, तो यहाँ से राइट लेना है। तो सीधा जो है वो माजगांव मार्केट है, जो सब्जी मंडी और माजगांव का जो सब्जी मंडी है वो है, और आपका सामने फिश मार्केट भी है। और राइट साइड में जो एरिया है ये सीधा डॉकयार्ड जाएगा। यहाँ से लेफ्ट लेना है जो पेट्रोल पम्प है उसके बाजू से। तो हम लोग लेफ्ट ले लिया। ये जो ऊपर फ्लाईओवर दिख रहा है ये वाशी फ्लाईओवर है, जो हाईवे है डायरेक्ट वाशी पहुँचता है, तो यही फ्लाईओवर है। तो वो क्रॉस करके हम लोग अभी ऑलमोस्ट जो लास्ट रोड है जो सीधा डॉकयार्ड जाए, जो सीधा अपना भाउचा धक्का पहुँचेगा, उसमें जा रहे हैं अभी। तो यहाँ पे देख रहे हैं रोड साइड में लेफ्ट एंड राइट में कुछ ऑयल का फैक्ट्री भी है, और ये जो एरिया है वो आर्मी रेस्ट्रिक्टेड एरिया भी है। वो नेवी का कुछ जहाज शिप वगैरह भी यहाँ पे आते हैं, तो थोड़ा फोटोज़ वगैरह अलाउ नहीं होते, और बहुत रेस्ट्रिक्शन भी है, काफ़ी सिक्योरिटी वगैरह भी यहाँ पे होता है। यहाँ पे देखो सीधा दिख रहे वेलकम टू ईस्टर्न वाटर फ्रंट, तो वहाँ पर भी लोग जाते हैं घूमने के लिए भी। और यहाँ से मूव करके ये फाइनल रोड है। यहाँ पे लेफ्ट में बॉम्बे कैफ़े देख रहे हैं, ये बहुत फेमस चाय का शॉप है यहाँ पे, और नाश्ता का भी। तो मैक्सिमम लोग जो आते हैं तो यहाँ पे चाय नाश्ता करते हैं। तो फाइनली हम लोग रोड पे मूव कर गया ऑलरेडी। तो यहाँ पे राइट में देखो सब ट्रक वगैरह खड़ा है, ये फिश लेके जाएगा। ये जो लोकल फिश वगैरह बिकते हैं वो फिश लेके ऑलरेडी आ रहे हैं। तो अभी 7 बज गया, बट उसमें ऑलरेडी लोग रिटर्न हो रहे हैं, तो काफ़ी सुबह से ही चालू हो जाते हैं। और राइट में जो ट्रक वगैरह देख रहे हैं ये यहाँ से ट्रांसपोर्ट करते हैं, पूरा इंडिया में यहाँ से ट्रांसपोर्ट होते हैं जो फिश। ये राइट में समुंदर ऑलरेडी दिख रहे हैं, देखो ये छोटा छोटा जो शिप वगैरह दिख रहा है, इससे ये सब फिशिंग शिप है, इससे सब फिश पकड़ फिशिंग बोट बोलते हैं। और राइट में बड़े जहाज भी है, यहाँ से बाहर भी जाते हैं। बाहर मीन्स विद इन इंडिया ही जो अलग अलग पोर्ट है वहाँ पे जाते हैं। तो यहाँ पे देखो इस तरह का शेयरिंग टैक्सी भी होता है और डायरेक्ट भी होता है। शेयरिंग टैक्सी में अगर यहाँ से रिटर्न करोगे तो डॉकयार्ड और स्टेशन तक 10 रुपीज़ का शेयरिंग होता है, 10 रुपया करके। और अगर आप डायरेक्ट आते हो तो 28 जो मैंने बोला, बट मैं अंदर तक आ गया, थोड़ा ज़्यादा ही लग गया, तो मुझे लगभग 45 रुपीज़ कुछ लगा। तो ये जो एंट्रेंस है, एंट्रेंस से पहले थोड़ा थोड़ा काफ़ी सारा शॉप था, अभी वो बंद कर दिया मैं भी, और बीच में बहुत दिन बंद था, 2-3 महीना वो बारिश की वजह से, जो तेज़ बारिश होता है उस टाइम बंद रहता है ये। तो फाइनली हम लोग एंट्री कर लिया यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए फिश किस तरह का आ रही है। और ये जो फिश है वो डायरेक्ट जो जहाज़ दिख रहे हैं यहाँ पे, शिप है बोट, वहाँ से उठ के ही यहाँ पे सीधा आ रहे हैं, कोई बाहर से कुछ नहीं। और को अगर आप कोई भी दुकान में जो खरीदोगे वो भाया भाया होकर आते हैं, बट यहाँ पे देखो ये नीचे शिप लेके आया और ये सीधा यहाँ से फिश उठा के दे रहे हैं। तो जो फिश है ये मत समझो कि पानी से उठा के दे रहे हैं, मीन्स ये एकदम आज का ही फिश, ऐसे नहीं होते। तो इन लोग फिश जो मारने के जाते हैं तो अंदर तक जाते हैं, और उसमें टाइम लगता है इनको 2-3 दिन, तो अंदर उनका बोट में फ्रीजर रहता है, तो वहाँ पर रख के फिर यहाँ पर लेके आते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे भी हम जो लेते हैं तो 1-2 दिन का तो पुराना होता ही है, बट जो नॉर्मल शॉप में आएगा वो तो और पुराना हो जाएगा। तो सबसे अगर ताज़ा खाना है तो यही पे मिलेगा। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे फिश जो है वो डेविएशन कर रहे हैं कि अलग अलग टाइप का कौन सा कितना, जो छोटा फिश है उसको डेविएशन का तो टाइम लगता है, अलग अलग बांटना पड़ता है उसको। तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन का वजह से भी मैं ज़्यादा वीडियो तो नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ जितना आपको दिखा सकता हूँ बीच बीच में। ये सब बोट वगैरह जो अभी खड़ा है, तो ये ऑलरेडी शिप फिश लेके ऑलरेडी आ गया, बट और भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये क्रैप्स पूरा भरा हुआ है, और वेरियस टाइप का क्रैप्स है, और समुंदर का जितनी भी वैरायटी हो सकते हैं हर एक वैरायटी यहाँ पे है। तो मुझे तो मैक्सिमम फिश का नाम ही नहीं पता यहाँ पे, हमें थोड़े बहुत नाम ही पता होता है समुंदर का फिश का, और फिर जो खाते हैं वो लेके वही पूछ के लेना पड़ता है ये क्या है करके पूछते हैं, फिर
ला के ट्राई करते हैं, बट समुद्र के फिश में ग्रेवी वगैरह बनाने में उतना टेस्ट लगता नहीं है। ये देखिए, ये अपना झींगा है जो प्रॉन्स कितनी बड़ी साइज का है, एक एक प्रॉन्स एक बकेट भर गया, इतना बड़ी है। तो इसका प्राइस भी है ज़्यादा काफ़ी, बट यहाँ पर लोग क्या है कि एक दो नॉर्मली बेचना नहीं चाहते इन लोग, इन लोग बंच पे बेचता है सीधा, और वेट करना कुछ नहीं है, मतलब आपको चीज़ एक किलो आधा किलो ऐसा कुछ नहीं है, सीधा आपको वो एक बाटा करके रखता है कि ये 20 पीस का इतना प्राइस है या ये एक का इतना है, तो उस बेस पे यहाँ पे सेल होता है। क्योंकि तो ये एक फिश है नया, ये एक देखो लंबा सा फिश है मुझे, हाँ तो ये वाला फिश भी काफ़ी लेंदी है, लगभग 4-5 फीट का दिख रहा है मुझे। और ये पे देखो ये शापला है, शापला भी लोग खाते ही है। तो इसका प्राइस वगैरह मैंने पूछा एक बड़ा शापला का, तो और 800 बताया था, फिर मैंने बार्गेनिंग किया तो फिर 400, फिर लास्ट में 300 भी देने तैयार हो गए। और एक फिश देखो सामने जो हेड है, ये हैमर जैसा दिखने में है, तो इतना वेराइटी है हमें तो उतना नाम भी नहीं पता, पर मैक्सिमम यहाँ पे जो फिश वगैरह प्रॉन्स बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ का दिख रहा है अलग अलग, और पॉम्फ्रेट का भी अलग अलग वेराइटी, कुछ व्हाइट होते हैं, कुछ थोड़ा ब्लैक जैसा होता है, और कुछ फिश जो हमें पता है जैसे सुरमई फिश, बंगड़ा फिश, ये सब पॉम्फ्रेट, ये सब तो नॉर्मल है, ये तो पता ही है। और रावास करके जो इंडिया में जो सालमन फिश, उसको रावास बोलता है यहाँ पे, तो वो भी मिलता है यहाँ पे, जो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। क्योंकि इस तरह का बाटा लगा के रखा है यहाँ पे, तो ये सीधा आपको वह एक पीस तो देगा नहीं, सीधा इस तरह का बाटा आपको लेना पड़ेगा, एक लमसम अमाउंट होता है। और ये देखो ऑक्टोपस, ऑक्टोपस भी, ऑक्टोपस ज़्यादा देखा नहीं मुझे, एक ही शॉप में ऑक्टोपस देखा। तो जो ऑक्टोपस खाते हो यहाँ से थोड़ा मॉर्निंग में आओगे तो ज़्यादा ही मिल जाएगा ऑक्टोपस, अभी टाइम हो गया। तो ये जो फिश है ये आई थिंक बोम्बिल है, और कितना सारा पड़ा है बंच में। और ये भी शापला है, शापला का अलग अलग वेराइटी है, कुछ एकदम लाल जैसा, कुछ ब्लैक जैसा है। तो अभी मैं भी थोड़ा बहुत लेना था फिश, वो मैं ले लूँगा अभी। तो और ये देखो क्रैब्स है, क्रैब्स का भी कितना वेराइटी है, वो जो पहले क्रैब देखा व्हाइट है, ये देखो क्रैब जो है ब्लैक है, ये काफ़ी एक बिग फिश है। और ये आई थिंक जो हम लोग का उधर रीठा है वो ऐसा ही दिख रहा है फिश, पता नहीं क्या है नाम एग्जैक्टली, तो कुछ नाम बताया तो मुझे एग्जैक्टली समझ में नहीं आया और याद भी नहीं। तो ये जो एरिया है, मॉर्निंग में आप एकदम अर्ली मॉर्निंग आ सकते हो, सुबह एकदम 5 बजे भी आओगे तो आपको ओपनिंग मिलेगा सुबह से, और 8-9 बजे तक पूरा खाली हो जाता है, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा धूप आता है तो फिर यहाँ पे मुश्किल हो जाता है लेना। तो ये देखो ये बर्फ, ये चाय वगैरह लेके आ रहे, तो ये जो बाहर इम्पोर्ट होगा उसके लिए है, तो इसमें डाल के लेके जाएगा। और यहाँ पे जो फिश है आपको लेना है और काटने के लिए अलग बंदे हैं, वो अलग काट के जाते हैं, वो थोड़ा बहुत पैसा लेते हैं 10-20 रुपये। तो अभी मैं यहाँ से रिटर्न कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भाउचे तक का जो लेफ्ट में तो फिश मार्केट है ही, उसके साथ साथ राइट में ये एक पोर्ट भी है, लाइक यहाँ से इंडिया का बाकी और भी मुंबई का तो नज़दीक वाला जितना भी पोर्ट है वहाँ पे भी शिप, छोटे छोटे शिप जो होते हैं बोट होते हैं वो जाते हैं। तो मैंने ये फिश ले लिया, मैं एक बड़ा सा का सुरमई लिया और कुछ पॉम्फ्रेट्स लिया। तो अभी मैं वॉक करके जाऊँ, थोड़ा बाहर निकलता हूँ क्योंकि यहाँ से टैक्सी वगैरह जाना नहीं चाहता, बाहर निकल गया तो थोड़ा मुझे टैक्सी मिल गया, तो यहाँ से मुझे सिर्फ 20 रुपीज़ लगेगा और 5 मिनट में पहुँच जाऊँगा मैं यहाँ। तो वहाँ से मैं फाइनली निकल गया और अभी मैं फिर से माझगांव जा रहा हूँ, कुछ और भी काम है, जल्दी घर भी पहुँचना है। तो ये जो ओवरऑल भाउचे तक का जो वीडियो है वो कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट्स करके बताओ, और इस रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप लोग प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हो, मुझे मैक्सिमम यहाँ का बारे पता है, तो मैक्सिमम जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं आपको दे दूंगा। अपने चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।